बहुत बनवाया, सारा बर्बाद हो जाएगा, कौन खाएगा? भूत प्रेतों की बारात आई है, कौन खाएगा इतना भोजन? इधर शंकर जी हिमाचल के मन की बात समझ गए, उन्होंने शुक्र शनिचर को इशारा कर दिया, जो बराए थे आए थे शुक्र शनिचर उनको इशारा कर दिया। शुक्र शनिचर भूख से व्याकुल होकर रोने लगे, तेजी से चिल्लाने लगे, भूख लगी है, भूख लगी है। हिमांचल बोले काय भैया, क्या इतने बरात में यही दोनों भूखे? ये दोनों भूखे ना है, मच्छी और बूढ़े भैया भूखे। तो ऐसा करो, इन्हें ले जाओ मैना के पास और कह देना इन्हें भोजन करवाएं, ढंग से भोजन करवाएं, ना खाएं तो जबरदस्ती खिलाएं। जबरदस्ती कहां से खिलाएं, दुकानदार तो नहीं बैठे। इधर क्या होता है, मैना के पास पहुंचाया गया शुक्र और शनिचर को। आज मैना भोजन परोसने लगी और कहती है लाला बड़े प्यार से बिठाए लयो है शुक्र शनिचर को। बोली अरे लाला पूरी खाओगे कचौड़ी खाओगे? बोलो पूरी खाओगे कचौड़ी खाओगे? हो लाला पूरी खाओगे कचौड़ी खाओगे? हाँ बोलो पूरी खाओगे छक्का खाओगे? हो लाला पूरी खाओगे खाओगे? हो लाला चिन्ने खाओगे कभी खाओगे? हो लाला चिंडे खाओगे कभिंडी खाओगे? हो लाला चिंडे खाओगे कभिंडी खाओगे? मैना परोसती जा रही है और मैना भोजन रख पाती है, जो ले जाती है तब तक भोजन समाप्त होता है। कह रहे हैं ले आओ माता जी, ले आओ और उठाई लियो माता जी। मैना कहने लगी लाला लल्ला बर्फी खाओगे इमरती खाओगे? बोलो बर्फी खाओगे? वीडियोग्राफी थोड़े इधर अब शुक्र शनिचर को पूछो जाइए बैठे बगल में बेसन भाई कतरिया खयो का धीरे धीरे सारा भोजन खत्म हो गया। शुक्र शनिचर कह रहे हैं ले आओ माता जी, ले आओ ले आओ। अब तो मैना सर पे हाथ रख के बैठ गई और बोली लाला अब का मैं खाओगे नारद को खाओगे? बोलो मैं खाओगे नारद को खाओगे? बोलो जैसे ही नारद ने